वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज जो हम करेंगे वो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स करेंगे, जो कि हमारा सिग्नलिंग रेलवेज का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो हमने जैसे कि हमने अपने देखो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, देखो पार्ट वन में हमने ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, पार्ट टू में हमने फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, पार्ट थ्री में लोकेशन करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पार्ट फोर में पढ़ रहे हैं स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये पांच तरह के होते हैं, तो वो हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स में कौन सा आता है, देखो रिपीटर और को एक्टिंग सिग्नल्स। अब ये क्या होता है, देखो जनरली व्हेन अ ट्रेन पासिस थ्रू अ स्टेशन विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइवर कम्स अक्रॉस द फाइव सिग्नल्स इन दिस सीक्वेंस, ठीक है। कि मतलब कि जब भी आप स्टेशन के पास पहुंचते हो, ठीक है ना, अगर बिना स्टॉप करे आप ड्राइवर निकलता है, तो उसके पास ना पांच तरह के सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर पढ़े, ठीक है। वार्नर आता है, आउटर, होम, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर था, सॉरी ये ठीक है ना, एडवांस है, एडवांस स्टार्टर, ठीक है ना, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर था। बट व्हेन द ड्राइवर्स विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओवरब्रिज बिटवीन द सिग्नल्स, मतलब कि जब किसी ड्राइवर का हमारा सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है ना, कि मतलब वो दिखे ना आपको सिग्नल, तो उसमें क्या होता है, देखो किस कारण से हो सकता है, या तो ओवरब्रिज बिटवीन द सिग्नल्स, ठीक है, या फिर शार्प कर्वेचर इन द अलाइनमेंट और ड्यू टू एनी अदर रीजन, ठीक है। अ सिग्नल इज प्रोवाइडेड विद अ डुप्लीकेट आर्म ऑफ स्मॉलर साइज, ठीक है ना, यहाँ पढ़ रहे हो ना, देखो प्रोवाइडेड विद अ डुप्लीकेट आर्म ऑफ स्मॉलर साइज एट ए सुटेबल पोजिशन विच रिपीट द इंडिकेशन ऑफ सिग्नल हेड। तो इसका मतलब है क्या होता है, जो रिपीटर और कोएक्टिंग सिग्नल है ना, ये एक तरह का हमारा ना पैरेलल सिग्नल लगा लो हमारे जो नॉर्मल सिग्नल के साथ चलता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसी जगह पे लगा होता है जहाँ पे हमें विजन नहीं आ रहा है, वो फिर भी दिख जाए। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं दोनों फिगर्स में, देखो ये एक ब्रिज आ गया है ना, यहाँ पे एक सामने अब जैसे ट्रेन आएगी, ठीक है, यहाँ से एक टर्न भी ले रहे, तो उसको आगे का क्या पता चलेगा, नीचे कौन सा है, तो वैसे ही जो नीचे जो सिग्नल दिख रहा होगा उसे वैसे सेम टू सेम यहाँ पे होगा, ठीक है। ये देखो ये बना हुआ है ना, तो थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ स्मॉलर साइज, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल होता है लेकिन सेम ही काम करेगा, ठीक है ना। वो नीचे जो सिग्नल शो हो रहा है वही ऊपर शो होगा, क्योंकि वो रिपीटर और कोएक्टिंग सिग्नल है, ताकि हमें दिख जाए। जैसे अगर आप इस पे देखो, देखो ये तो हमारा ब्रिज के साइड पे हो गया, ठीक है, ओवरहेड ब्रिज कह देते हैं हम इसे, ठीक है। एक हमारा जो शार्प कर्वेचर है, देखो एक सिग्नल एक इस तरफ है और एक सेम टू सेम इस तरफ है ना, दोनों सेम ही तो है, देखो दोनों ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी जैसे समझो ये नहीं होएगा, ये वाला होएगा हमारा रिपीटर या फिर कोएक्टिंग सिग्नल, क्योंकि देखो ये वाला विजन तो शायद ना ही दिखे कर्वेचर पे। देखो अगर आप कोई ट्रेन ऐसे ऐसे रास्ता है ना, ऐसे कर्व है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो आपको ये वाला नहीं दिखेगा, ये वाला दिखेगा है ना, ये वाला दिखेगा, तो इसीलिए ये हमारा रिपीटर और कोएक्टिंग सिग्नल है। तो ये होते हैं हमारे रिपीटर और कोएक्टिंग सिग्नल, ठीक है, जो कि हमारे एक तरह के डुप्लीकेट सिग्नल ही लगा लो, जो उसके साथ साथ पैरेलली काम करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे राउटिंग सिग्नल। देखो राउटिंग सिग्नल हमारे पता किस चीज के लिए यूज होते हैं, हमारे पटरियों पर अलग अलग बताने के लिए, ठीक है, कौन सी पटरी पे काम चल रहा है, कौन सी पटरी पे नहीं, वो मैं अभी आपको पढ़ के दिखाता हूँ। देखो एट बिग स्टेशन वेयर अ नंबर ऑफ लाइन्स एग्जिस्ट एट द स्टेशन टेकिंग आउट डिफरेंट रूट्स फ्रॉम द मेन लाइन बिसाइड्स, चलो ये आगे बाद में, देखो इन्होंने कहा है कि जो बड़े स्टेशन होते हैं, जैसे आप दिल्ली लगा लो, लुधियाना लगा लो, है चंडीगढ़ लगा लो, कहीं मर्जी भी लगा लो, वहां पे जब बहुत ज्यादा रेल्स हमारी निकलती है ना, तो वहां पे हमारा यूज होता है राउटिंग सिग्नल, ठीक है ना। देखो बिसाइड्स वन मेन होम सिग्नल राउटिंग सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड एट द पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जन, तो इन्होंने कहा है कि जो होम सिग्नल्स के बिसाइड होता है, होम सिग्नल्स के पहले होता है हमारा राउटिंग सिग्नल, ठीक है। लोअरिंग ऑफ एनी वन ऑफ द सिग्नल्स इंडिकेट्स द ट्रैक फॉर विच द पॉइंट्स आर सेट, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो भी सिग्नल हमारा लोअर्ड होता है, ठीक है, लोअर होता है, तो वो बताता है कि आपको इस ट्रैक पर जाना है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो, अगर आप इस डायग्राम में देखो, देखो वन सिग्नल ये रहा है ना, इसका मतलब कि अगर समझो ये लोअर है, ठीक है, वन लोअर है, तो मतलब कि ट्रेन इस वाले वन रूट पर जाएगी, ठीक है ना, ट्रेन इस वाले पे वन पे जाएगी, ठीक है, उसको समझ आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे स्लो कर लेना, वन पे जाना है, ठीक है। अगर टू है तो मतलब टू वाले पे जाना है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो मतलब मेन ट्रैक पे जाना है, मतलब सीधा सीधा ही जाना है, ठीक है। वैसे तो मोस्टली कट जाती है ट्रेन, ठीक है ना, ऐसे ऐसे शंट हो जाती है, लेकिन मोस्ट कोई कोई केसेस में शायद सीधा भी चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये सिग्नल्स बताते हैं जो कि हमारे राउटिंग सिग्नल्स होते हैं। देखो द नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स और लाइन विच अ पर्टिकुलर सिग्नल कंट्रोल्स इज इंडिकेटेड बाय नंबर प्लेट अटैच टू इट, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर प्लेट लगी होगी और यहाँ पे भी एक लगी होगी, ठीक है ना, इनकी स्टार्टिंग पे यहाँ पे कहीं जैसे वन वन जहाँ पे लगाए ना, यहाँ पे भी नंबर प्लेट लगी होगी, यहाँ पे भी, तो वो बता देते हैं कि हाँ भाई हम नंबर वन ट्रैक पर हम है। दिस नंबर कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेटिंग ऑफ पॉइंट्स फॉर द ट्रेन एंटरिंग दैट प्लेटफॉर्म और रूट, ठीक है, ये उसकी सेटिंग ऑफ पॉइंट्स के साथ ही हमारा कॉरेस्पॉन्ड भी करता है, और सेटिंग ऑफ पॉइंट्स क्या है वो आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे समझ आ गया राउटिंग सिग्नल्स।
तो बात है हमारे कॉलिंग ऑन सिग्नल। देखो कॉलिंग ऑन सिग्नल्स क्या है, देखो दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल आर्म्स बिलो एंड पैरेलल टू होम सिग्नल्स फिक्स्ड ऑन द सेम वर्टिकल पोस्ट। ठीक है, बिलो और पैरेलल, ये ऐसे ऐसे पैरेलल में है लेकिन नीचे होते हैं। ठीक है, एक ही पोस्ट पे लगे होंगे लेकिन ये नीचे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स विद द होम सिग्नल इंडिकेशन देन अ कॉलिंग ऑन सिग्नल परमिट्स अ ट्रेन टू प्रोसीड कॉशियसली बाय कीपिंग द सिग्नल आर्म एट प्रोसीड पोजिशन। देखो इन्होंने कहा है कि जैसे कि हमारा जब होम सिग्नल कहता है कि स्टॉप हो, ठीक है, ये कहता है कि हमारा होम सिग्नल कि स्टॉप हो, लेकिन कॉलिंग ऑन सिग्नल कहेगा कि हाँ भाई ट्रेन तो यहाँ पे, ये कहेगा स्टॉप हो, लेकिन यहाँ ये कहेगा कि कॉशियसली हल्का हल्का चलते भी रहो, ये नहीं कि एकदम रुक जाओ। ठीक है ना, जो कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है वो कहता है कि हाँ भाई हल्का हल्का आते रहो, मतलब जैसे एक ट्रेन ऐसे जा रही है, जैसे एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये भी सिग्नल यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वाला सिग्नल तो ऊपर वाला होम सिग्नल कहेगा कि हाँ भाई रुको, ठीक है, इसका लगेगा रुक जाओ, लेकिन जो कॉलिंग ऑन सिग्नल होगा वो कहेगा नहीं भाई हल्का हल्का चलते भी रहो, ठीक है ना, कि क्या पता शायद आगे शंटिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी ट्रेन डिटेल ना हो, तो इसके लिए आप हल्का हल्का चलते भी रहो। ठीक है ना, देखो दीज सिग्नल्स आर वेरी मच हेल्पफुल व्हेन रिपेयर वर्क्स ऑन द ट्रैक्स आर गोइंग ऑन। ठीक है ना, वो इसीलिए है कि हल्का हल्का आप चलते रहो, ठीक है ना, शायद कोई रिपेयर हो रही हो तो ट्रेन शायद निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, तो वो हमारे कॉलिंग ऑन सिग्नल बताते हैं। Even though the calling on signal may be in the off, that is proceed position, the driver should be prepared to stop the train at any moment if required. तो इन्होंने कहा है कि वो तो देखो ये तो जनरल नॉलेज है कि अगर सिग्नल आपके प्रोसीड पर भी है फिर भी आपको ट्रेन ड्राइवर को आगे ध्यान से देखना होता है, ये तो जनरल है, तो इसको हम इसमें कंसिडर नहीं कर सकते, पर लिखने के लिए आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्स वगैरह में। तो पॉइंट इंडिकेटर्स, अब पॉइंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो दीज आर मेनली यूज टू इंडिकेट द रूट टू ड्राइवर एज प्रीकॉशन अगेंस्ट बस्टिंग ऑफ पॉइंट्स और रनिंग इनटू एन ऑक्यूपाइड लाइन व्हेन द सिग्नल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। देखो इसका क्या मतलब होता है कि ये ऐसी एक जगह है, ऐसे पॉइंट्स इंडिकेट करता है जहां से या तो ये डीरेलमेंट होती है, मतलब यहां से जहां पे शंटिंग शुरू होती है, ठीक है, या तो फिर ये बताता है कि आगे कोई है, मतलब इसी रेल पर आगे कोई ट्रेन खड़ी है। ठीक है ना, देखो एज द पॉइंट इंडिकेटर डू नॉट इंडिकेट द करेक्ट सेटिंग ऑफ पॉइंट दे शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन बाय स्टेशन मास्टर्स एज मीन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द सेटिंग ऑफ पॉइंट फॉर मूवमेंट्स दैट फेसिंग डायरेक्शन देखो इसका ये कहा है कि ये वैसे भी एक्यूरेट नहीं हो सकते, मोस्टली कभी कभी एक्यूरेट होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ना ज्यादातर ये जो इंडिकेशन होती है ना टर्निंग ऑफ पॉइंट्स ही होती है। देखो मोस्टली हमारे ना ये यहीं पे होती है, शंटिंग वाली जगह पे होती है, ठीक है ना, ये देखो ये, अब इसका क्या होता है, जैसे कि ये शंटिंग हुई यहाँ पे, अगर कहा कि आपको इस स्ट्रेट पे जाना, ठीक है, यहाँ पे लाइट वगैरह चलेगी हल्की फुल्की सी, ठीक है, नहीं तो अगर सीधा जाना है तो वैसे ये नॉर्मल ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है ना, तो वो उस पर होता है कि ये हमें पॉइंट्स बताता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे शायद पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ गया ना, तो इसे हम पॉइंट इंडिकेटर कहते हैं, पॉइंट्स के बारे में बताता है, ठीक है, तो ये कहता है कि थोड़ा ध्यान से चलो, ठीक है, दिस इंडिकेशन एक्टिवेटेड बाय टर्निंग ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। तो आ गया तो मिसलेनियस सिग्नल, देखो मिसलेनियस सिग्नल जैसे रोड सिग्नल होते हैं ना कुछ उसी तरह होता है, ठीक है, तो देखो मिसलेनियस सिग्नल में सबसे पहले क्या है, मैं इसकी डायग्राम भी आपको दिखाता जाऊंगा, देखो कॉशन इंडिकेटर सिग्नल, ठीक है, कॉशन इंडिकेटर सिग्नल में क्या है, देखो व्हेन द ट्रैक इज अंडर रिपेयर्स द ड्राइवर शुड बी कॉशियस टू रिड्यूस द स्पीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट एनी मोमेंट। ठीक है, तो कॉशन इंडिकेटर देखो कुछ इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ठीक है ना, कॉशन इंडिकेटर कुछ इस तरह होता है, ये हमें क्या बताता है कि ट्रैक अंडर रिपेयर है, ठीक है ना, ट्रैक अंडर रिपेयर है, तो वो अच्छे से चले और स्लो स्पीड पे चले, ठीक है, और कहीं पे भी आपको रुकना पड़ सकता है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये मोस्टली हर कहीं ट्रैक्स पर नहीं दिखते, क्योंकि जहां पे रिपेयर हो रहा होता है वहीं पे ये मार्क्स ये ऐसे सिग्नल्स लगाए होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कॉशन इंडिकेटर सिग्नल। ठीक है, तो स्पीड इंडिकेटर सिग्नल, देखो द ड्राइवर शुड ड्राइव द ट्रेन एट द स्पीड इंडिकेटेड ऑन द बोर्ड। ठीक है, ये तो देखो गाड़ियों का भी सेम ही होता है ना, जैसे वो ही लिखा हुआ है, देखो फॉर ओनली फॉर गुड ट्रेन 55 लिखा, ठीक है, ये शायद जूम नहीं हो रहा तो ये हमें पढ़ाई जा रहा, लेकिन यहाँ पे बताया 55 तो गुड ट्रेन है, फिर शायद पैसेंजर ट्रेन के लिए 80 होगी, कोई मालगाड़ी के लिए 75 होगी, तो कुछ इस तरह का होगा, तो इसे हम कहते हैं स्पीड इंडिकेटर। ठीक है, अब हमारा आता है स्टॉप इंडिकेटर्स, तो स्टॉप इंडिकेटर्स क्या होता है, देखो दीज सिग्नल्स इंडिकेट द ड्राइवर्स टू स्टॉप द ट्रेन एट वंस, तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये स्टॉप इंडिकेटर होता है कि एक अगर आपने स्टॉप इंडिकेटर देख लिया, ठीक है, ये ना बीच में ना लाइट्स है, ये बल्ब है, ठीक है, बीच से हम बता देते हैं रेड बल्ब है, ठीक है, अगर तो स्टॉप इंडिकेटर दिया हो तो मतलब कि आपको ट्रेन रोकनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, आपको ट्रेन रोकनी है, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं स्टॉप इंडिकेटर। ठीक है, अब आता है हमारे शंटिंग इंडिकेटर, देखो शंटिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो दीज सिग्नल्स मार्क द लिमिट्स ऑफ शंटिंग ऑपरेशन। ठीक है ना, मतलब शंटिंग तो वही आपको पता ही है कि जब हमें ट्रेन ऐसे यहाँ से ऐसे मूव करनी होती है, दूसरे ट्रैक पर जानी होती है, तो हम उसे शंटिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो शंटिंग इंडिकेटर नहीं है ना, शंटिंग लिमिट बताएगा कि आपको किस स्पीड पे शंट करना है। ठीक है, जैसे समझो कोई बताएगा कि 20 पे करना है, कोई 50 पे करना है, ठीक है, कोई 80 पे करना है, कुछ 100 पे करना है,
वो इस पे वो हमेशा पूरा अच्छे से वो मेजर करा जाता है, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह सारा मेजर करके बताता है कि अगर आप इस स्पीड पे करोगे, ठीक है, जैसे लेट उसकी 50 दी हुई है, ठीक है, अगर उसकी 50 दी हुई है तो 50 पे पता है कि 50 से कम कम में वो आराम से शंटिंग हो जाएगी, अगर 50 से ज्यादा हुई तो शायद वो डीरेल भी हो सकती है गाड़ी, ठीक है ना। अब आता है हमारे टर्मिनेशन सिग्नल। देखो टर्मिनेशन सिग्नल क्या बोलते हैं, लास्ट है, दिस सिग्नल शोज दैट द ड्राइवर कैन रिज्यूम द नॉर्मल स्पीड। देखो ये इस तरह का होता है, देखो मुझे कोई लाइव पिक्चर नहीं मिल पाई इसकी, उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ ये इस तरह होता है, ठीक है। देखो सिग्नल पोस्ट ऐसे टी ऐसे लगा होता है, ठीक है ना, तो ये ऐसे होता है, ये थोड़ा सा लाइट जो इसकी तरफ मारती है, ये लाइट इस पे देती है, ठीक है ना, तो ये लाइट है, तो ये हमें क्या बोलता है कि ड्राइवर कैन रिज्यूम द नॉर्मल स्पीड, मतलब मोस्टली स्टेशन के बाहर लगा होता है या फिर शंटिंग के बाहर लगा होता है, ठीक है, मोस्टली ऐसी जगह पे लगा होता है जहाँ पे एक बार स्पीड स्लो होती है, स्टॉप नहीं होती, थोड़ी स्लो होती है, फिर उसके बाद दोबारा से आप नॉर्मल स्पीड ले सकते हो, ठीक है ना, तो वहां पे ये चीज लगी होती है। तो ये थे हमारे मिसलेनियस सिग्नल्स। तो बाकी देखो पॉइंट इंडिकेटर्स, कॉलिंग ऑन सिग्नल, राउटिंग सिग्नल्स और रिपीटर और कोएक्टिंग सिग्नल्स हमारे किसके अंडर आते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो ये था हमारा पूरा टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, चार पार्ट्स हमारे बने, हमने अच्छे से कर लिया सिग्नल इन रेलवेज, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इंटरलॉकिंग भी करेंगे, तो उसके लिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल सिविल इनसाइट को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।